देवी, पराई स्त्री का स्पर्श भी हमारे लिए पाप है। बहुत अच्छे लक्ष्मण भैया, परंतु अब आप ही हमारे सर्वस्व हैं, हमारी सांसें और हमारे स्वप्न भी आप हैं। हम पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करते हैं। अब आज के बाद हम केवल और केवल आपके लिए ही नृत्य करेंगे। सूर्पणखा नृत्यांगना नहीं थी। क्यों, आपको कैसे पता? आप सूर्पणखा के अंगरक्षक थे। सूर्पणखा राक्षसी थी। देखिए सौदामिनी, आप ना पात्र की सीमा में रहिए कृपया करके। तो को वक्त हाथ आगे करो। सौदामिनी, अति उत्तम, सराहनीय है। तुमने अपने अभिनय से सूर्पणखा को एक नया रूप दे दिया है। बस ऐसे ही अभ्यास करती रहो। हे वीर पुरुष, क्या आपको हमारा सौंदर्य नहीं लुभाता? देवी, आपका रूप ब्रह्मचारियों की तपस्या भंग कर दे। शिला भी आपको देखकर मंत्रमुग्ध होकर वार्तालाप करने लगे। परंतु हे देवी, हमारा कोई मेल नहीं। वाह, अद्भुत, अतुल्य है आप दोनों का अभिनय। वाह, अब सीता मैया और हनुमान जी के दृश्य का अभ्यास होगा। जी गुरु जी, मैं अपनी गदा लेकर आता हूँ। हाँ हाँ, जाइए और महारानी जी को भी बुला लिया जाए। हाँ। लकड़ी की नहीं असली तलवार से होगा रामलीला में महाराज पर हमला। आरंभ करें। महारानी डरिए डरिए। ये क्या डरिए डरिए लगा के रखा है आपने? इतना समय लगता है आने में? आप कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी? आपको मुझसे भयभीत होना है, आप मुझे जानती नहीं है। जी 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 महारानी। क्या थे हम? हम हनुमान जी से नहीं रामकृष्ण से बात कर रहे हैं। हम महारानी हैं, हमसे प्रतीक्षा करवाते हैं। छड़ी पड़ेगी इसे छड़ी। चलो फिर से आरंभ करो। गुरुजी, ये जो है हनुमान जी के अद्भुत चरित्र के अभिनय के योग्य नहीं है। इनके लिए तो वो वानर का पात्र ही उचित है। ठीक है ठीक है, आरंभ करो ठीक से। कौन है आप और इस वाटिका में कैसे आ गए? मैं भगवान श्री राम का झूठ हूँ, उनका संदेशा लेकर आया हूँ। श्री राम, परंतु हम कैसे विश्वास करें आपका? मेरे नैनों में देखें माते, आपको केवल श्री राम श्री राम श्री राम ही दिखेंगे। श्री राम मेरे रोम रोम में बसते हैं। अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी, मर्यादा पुरुषोत्तम, धर्म पराये श्री राम का मैं भक्त हूँ। परंतु हमें अभी भी शंका है, यदि आप सत्य कह रहे हैं कि आप हमारे प्रभु श्री राम के दूत हैं, तो हमें इसका कोई प्रमाण दीजिए। अवश्य माते, प्रमाण स्वरूप मैं भगवान श्री राम की अंगूठी लाया हूँ। दिखाइए। अवश्य।
ये आप यहाँ कैसे आ गई? मूर्ख, हम यहाँ रामलीला कर रहे हैं और तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि हमें यहाँ दुष्ट रावण उठा कर लाया है। परंतु दुष्ट रावण तो सीता मैया को उठा कर लाया है ना। तो हम क्या आपको ताड़ कर नजर आ रहे हैं? हम हैं सीता माँ। परंतु सीता माँ तो महारानी चिन्ना देवी बनी थी। हम भी सीता माँ है। हम दोनों ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि सीता माता का पात्र हम दोनों आधा आधा निभाएंगे। परंतु छोटी महारानी, उचित है, उचित है। मैं तो केवल इतना कह रहा था कि आधा आधा पात्र ना करें, समझने में समस्या होगी मुझे भी और दर्शकों को भी। कुछ समय समस्या होगी। अच्छा, और कुछ समय पश्चात क्या होगा? आदत हो जाएगी। पंडित रामकृष्ण, चलो प्रारंभ करते हैं। जी तो बताइए पंडित रामकृष्ण। रामकृष्ण नहीं, हनुमान, हनुमान। हाँ, बताइए हनुमान, आपके पास क्या प्रमाण है कि आप हमारे प्रभु के दूत हैं? प्रमाण स्वरूप मैं भगवान श्री राम की ये अंगूठी लाया हूँ। अंगूठी? रामकृष्ण, अंगूठी, अंगूठी, अंगूठी। महारानी जी, अगला संवाद बोलिए। रामकृष्ण, हमें अभी ना करनी चाहिए। अंगूठी, हमारे स्वामी की अंगूठी। अब तो आपको विश्वास हुआ ना कि मैं भगवान श्री राम का दूत हूँ? हाँ रामकृष्ण, हमें विश्वास हो गया। अब आप महारानी चिन्ना देवी को भी विश्वास दिला दीजिए कि ये अंगूठी हमारे प्रभु श्री राम की है। ये दृश्य यही समाप्त हुआ। अति उत्तम, अति उत्तम। अब हम रावण, विभीषण और प्रहस का दृश्य करेंगे। आइए, धनी मणि को भी बुलाइए। धनी, शुरू कर। कर शुरू। महाराज दशानंद की जय। अरे मूर्ख, इस दृश्य में रावण महाराज की प्रशंसा नहीं, निंदा करनी है। वही तो, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। आप दोनों के हृदय में जो कुछ भी है ना, सब कह दीजिए। अपने आक्रोश को शब्दों में बदलने का ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। दृश्य है हमारे पास, केवल संवाद ही तो कर रहे हैं। वही तो, अभिनेता वो नहीं होता धनी महाराज जो दिए गए संवाद बोलता है। अच्छा अभिनेता अपने संवाद स्वयं बनाता है। अर्थात? अर्थात आप ये समझिए कि गुरुवर रावण है। समझना क्या है, वो तो है ही रावण। वही तो गुरुवर रावण के बारे में आप दोनों के जो भी विचार हैं बस कहते जाइए, वो स्वयं संवाद बन जाएंगे और कोई आपको कुछ कहेगा भी नहीं। अब बताइए, ऐसा अवसर फिर कहीं मिलेगा? हैं? हाँ। हम हैं लंकेय, महान रावण, महाप्रतापी, महाशक्तिशाली, अति अभिलाषी महान रावण। कहाँ के प्रतापी हैं आप? निर्धनों को तो आप लूटते हैं, अपने पद का लाभ उठाकर निर्दोषों पर आप अत्याचार करते हैं। गौर कपटी हैं आप, गौर कपटी। अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी कहते हैं, देश को, भारत राज्य को दिखाते हैं कि वेद पुराणों के ज्ञाता हैं, परंतु छुपके छुपके शादीशुदा होते हुए पराई स्त्री पर नजर डालते हैं। शर्म आनी चाहिए इस शहर में। चुप रहो, तुम भूल रहे हो, हमसे बलशाली इस संसार में और कोई नहीं है। कहाँ के बलशाली हैं आप? जब से ये राज्य में आया है आपकी लंका ढाया जा रहा है, आपकी लंका को जलाया जा रहा है। महावीर नहीं, महाठग है ये। इस पूरे राज्य मतलब इस संसार को ठग कर अपना घर मतलब इस लंका को सोने की लंका बनाना चाहता है ये। सुधर जाइए, अभी भी समय है, अन्यथा श्री राम के हाथों आपका वध होगा। चुप, चुप। जीव पर नियंत्रण रखो, तुम तो बाद में देखते हो। संवाद पुस्तिका में जो संवाद वर्णित है वही बोलिए। सही चल रहा है, सब सही चल रहा है, एकदम वास्तविक लग रहा है। जी छड़ी मार निर्देशक। अरे
बस हो गया, हंस लिया निर्दोषों पर अत्याचार करने वाले पापी। हमें भूखा रखकर छप्पन भोग चखने वाले पाखंडी, हमारे सामने पूरे संसार को लूटने वाले दुष्ट। बंद करो अपना ये प्रलाप। क्यों बंद करें गुरुजी, अभी तो बहुत प्रशंसा बाकी है। बोले क्या, बोले क्या? सीधे बोलो, क्या हो? आपसे यही प्रार्थना है कि सीता मैया को सत्सम्मान श्री राम जी के पास भेज दीजिए। आपके पाप का घड़ा भर चुका है, यदि आप अभी भी सचेत नहीं हुए तो आपकी मृत्यु निश्चित। जाइए ब्राह्मण श्रेष्ठ रावण। सीधे से यही संवाद बोलना था ना, पहले इतना अपमानित क्यों किया? हम पहले ही माता सीता को छोड़ देते। जाइए, छोड़ दिया माता सीता को, छोड़ दिया, छोड़ दिया। रुको मत। हाथ आगे करो, आगे करो। क्या संवाद बोल रहे हो? यदि रावण ही सीता को छोड़ देगा तो रामायण का क्या होगा? हमारा अपमान कर रहे थे वो, अपमान कर रहे थे तो रामायण ही बदल दोगे? जाओ और जाकर अपने संवाद कंठस्थ करो। हमने कहा था आपसे सतर्क रहिए, आपकी असतर्कता का परिणाम आज आपको भुगतना होगा। पहुंचेंगे नहीं आप आज। महारानी जी, चलिए मैं आपको सुरक्षित ले चलता हूं। आज किसका सर फूटा? अच्युत देव का है। अच्युत देव, अच्युत देव, अच्युत देव, राजवैद्य को बुलाइए, इन्हें चिकित्सा की आवश्यकता है। मंत्रीवर पानी लाइए। जी महाराज। महाराज, आप इनके लिए क्यों चिंतित हो रहे हैं? ये तो आपका वध करना चाहते थे। नहीं, ये हमारा शत्रु नहीं है, ये केवल एक खेल था। खेल? जी हाँ, खेल, सतर्कता का अभ्यास। बाल्यकाल से ही हम अच्युत देव से कहते आए हैं कि वो हम पर प्रहार कर सकते, आक्रमण कर सकते, ताकि हम सदैव सतर्क रह सके। ये उसी खेल का एक भाग था।
परंतु ये खेल आज हम पर बहुत भारी पड़ गए व्रताश्री। आप सदैव हमसे जीतते आए हैं, परंतु आज हमने पूरी योजना बना के रखी थी कि आपको अवश्य हरा देंगे, परंतु हम आज भी असफल रहे। और इन देवी ने तो हमारे परलोक गमन की पूरी व्यवस्था ही करती थी। नहीं महाराज, इसमें शारदा जी की कोई गलती नहीं है, वो तो केवल आपका जीवन बचाने का प्रयास कर रही थी। हम जानते हैं इनका कोई दोष नहीं है। आज की योजना पर इन देवी ने पानी फेर दिया, और वो खाज वाले पेड़ रसायन वाले उस योजना पर पंडित रामाकृष्णा ने। खाज का रसायन? अर्थात आपने वो रस? परंतु खाज के रसायन से सतर्कता का क्या लेना देना? लेना देना है, है। वो खाज के रसायन वाले बेर जब भ्राताश्री खाते तो इनका ध्यान बढ़ जाता है, और ये शारीरिक रूप से असक्षम हो जाते और इनके ऊपर आक्रमण करना और सरल हो जाता। पर हम भ्राताश्री को एक चीज और बताना चाहते थे कि भ्राताश्री, आक्रमण केवल अस्त्र शस्त्रों से ही नहीं किया जाता, आक्रमण और भी कई तरीकों से किया जा सकता है। निसंदेह और भी तरीके हो सकते हैं आक्रमण करने के, और यह आक्रमण किसी भी व्याधि या रोग के समय भी हो सकता है। सतर्क रहना आवश्यक है, अनिवार्य है। अच्युत देव जी, प्रहार अधिक शक्तिशाली तो नहीं था ना? देवी, यदि थोड़े से बल का और प्रयोग किया होता ना आपने, तो आज हम भ्राताश्री की गोद में नहीं, सीधा यमराज की गोद में लेटे होते। पंडित रामकृष्णा महाराज, आपकी धर्म पत्नी तो आपसे भी अधिक साहसी है और प्रबल भी। हाँ, वैसे तो इनके आक्रमण सदैव मुझ पर ही होते हैं, आज दुर्भाग्यवश अच्युत देव जी पर हो गए। क्षमा क्षमा। शारदा देवी, आपका साहस सराहनीय है, कहिए क्या चाहिए आपको? हम कुछ भी मांग सकते हैं। ऐसा क्या है जो हम नहीं दे सकते? हमें रामलीला में पात्र चाहिए। निर्देशक महोदय। अजी रामलीला में पात्र चाहती हैं देवी। अब महाराज, ये अभिनेत्री तो बहुत अच्छी है, किंतु इनके लिए कोई मुख्य पात्र है नहीं। अब हमारे पास एक सुझाव है, शारदा देवी रामलीला की सूत्रधार बने, जो रामलीला के प्रारंभ से लेकर अंत तक रहेंगी। सुझाव तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद महाराज। तो आज का अभ्यास यही समाप्त होता है, कल पुनः हम यहीं से आरंभ करेंगे। सब अपने अपने घर से प्रार्थना करके आए कि सबके सर कल सलामत रहे। परंतु हम पर कौन गिरा था? मंत्री वर जी, जैसे ही हमें पता चलेगा हम आचार्य को सूचित कर देंगे। जो हम पर गिरा था भारी बात था। अच्छा? अब लगता है महाराज पर कोई खतरा नहीं। बहुत व्याकुल आत्मा है ये, एक भ्रम से निकलता है और दूसरा भ्रम सामने आ जाता है। सच कह रही है अम्मा। पंडित रामाकृष्णा, आपकी धर्म पत्नी तो हमारे ऊपर आक्रमण कर ही चुकी है, अब आप क्या करना चाहते हैं? जी शारदा की तरफ से मैं क्षमा मांगता हूं। नहीं नहीं पंडित रामाकृष्णा, त्रुटि हमारी ही है। हम ही भ्राताश्री को सतर्कता का अभ्यास कराते कराते स्वयं सतर्क रहना भूल गए थे।
योजना तो अद्भुत बनाई थी आपने, परंतु उसमें जोखिम बहुत था। क्यों? हम थोड़े ना भ्राताश्री की हत्या करने वाले थे। मान्यवर, मैं मंच वाली घटना नहीं, संपूर्ण योजना की बात कर रहा हूँ। अर्थात? अर्थात सबसे पहले आपने आग का गोला चलवाया जिसमें आचार्य की दुर्गति हुई, तत्पश्चात आपके खाद वाले बेर मैं खा गया और फिर मंत्रीवर को भी धमकी वाला पत्र आपने ही भेजा। नहीं, पत्र? कौन सा पत्र? हमने किसी को कोई पत्र नहीं भेजा, पर वो गोला केवल एक दुर्घटना थी जिसके लिए हम भीषण बाबू पर काफी क्रोधित भी हुए थे। और नदी किनारे महाराज की हत्या करने वाली बातें? महाराज की हत्या? पंडित रामकृष्ण, ये क्या हो रहा है? क्या हमारे भ्राताश्री के प्राण संकट में है? हमें ऐसा संदेह है मान्यवर। हे प्रभु, हमें सतर्क रहना होगा। आप सब भी सतर्क रहिए और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दीजिए, और हम भी पता करने का प्रयास करते हैं कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं हो रहा है। भीषण बाबू कहाँ हैं? भीषण बाबू अपने कक्ष में हैं। वो कुछ समय पूर्व हमारे कक्ष में आए थे हमारा स्वास्थ्य जानने के लिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि उनको विश्राम करना है, तो वो अपने कक्ष में चले गए। आज्ञा दें अच्युत देव जी, हमें तत्काल भीषण बाबू से भेंट करनी होगी। चलते हैं। लगता है भीषण बाबू विश्राम कर रहे हैं। कोई बात नहीं, इनसे बात करना अत्यंत आवश्यक है। भीषण बाबू, भीषण बाबू, अरे ये तो नहीं है। पंडित रामकृष्ण, ये आप क्या कर रहे हैं? भीषण बाबू मूसक थोड़ी ना है जो यहां वहां छिप जाएंगे। मैं भीषण बाबू को नहीं मंत्रीवर, सूत्र ढूंढ रहा हूं। भीषण बाबू, भीषण बाबू, अरे पंडित रामकृष्ण आप इतना व्याकुल क्यों हो रहे हैं? देखिए भीषण बाबू कहीं कहीं गए होंगे, हम अभी सेवक को बुलाकर उन्हें बुलवा लेते हैं। भीषण बाबू, भीषण बाबू, भीषण बाबू, अब भीषण बाबू को ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है मंत्रीवर। क्यों? क्योंकि भीषण बाबू राजमहल छोड़कर भाग चुके हैं। भाग चुके? क्यों? इस गुड्डे को देखिए मंत्रीवर। ये तो वही गुड्डा है जो महारानी चिन्ना देवी के कोल्हुओं में था। जी, अब इसे ध्यान से देखिए, क्या लगा है इसमें? परंतु इस भाले का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है कि महाराज पर आक्रमण अवश्य होगा। भीषण बाबू जानबूझकर इसे यहाँ छोड़कर गए हैं। वो हमें खुली चुनौती देकर गए हैं कि यदि महाराज को बचा सकते हो तो बचाकर दिखाओ। तुझे घुंघरू, ना कोई श्रृंगार ना आभूषण, तेरा असली रूप देखने के लिए तड़प रहा है ये आईना क्षण क्षण। सुरमे
से मेरी अखियां कजरारी, सुरमे से मेरी अखियां कजरारी, मैं जाऊं तुझ पे वारी वारी। अच्युत देव को हमने बनाया बेवकूफ बारी बारी। इस काले सुरमे से भी काला काला पर्दा डाला है मैंने अच्युत देव की आंखों में। उन्हें तो अंदाजा भी नहीं कि वाकई में उनके भ्राता की जान संकट में है। बेचारे मुझे समझ रहे हैं बंगाली बाबू ईशान, खूब भालो खूब भालो। ए आईना, बता मेरी हकीकत क्या है। मैं घुंगरू भामी सल्तनत का वफादार, ऐसा घुंगरू जो पैरों में नहीं दिमाग में बजता है। इसीलिए तो पूरी सल्तनत मेरी अकल की दाद देती है, और इस अकल ने ऐसा जाल बिछाया है कि राजा कृष्णदेव राय के मौत का इंतजाम किया है। अब मजा आएगा, क्योंकि अब वो होगा जो मैं चाहता हूं। कृष्णदेव राय, अब मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है, बस कुछ देर और, उसके बाद तुम्हारी मौत होगी। विजयनगर पे नहीं रहेगा तुम्हारा ताज, क्योंकि वहां होगा अब हमारे सुल्तान का राज। पंडित रामकृष्ण, अब विलंब उचित नहीं है, हमें तुरंत महाराज को सतर्क करना होगा। अब या तो रामलीला ना हो, और या तो राम का पात्र कोई और करे। जी मां मंत्री जी, महाराज इस समय रूप सज्जा कक्ष में होंगे, हमें तुरंत उनसे मिलना चाहिए। चलिए। प्रणाम महाराज। प्रणाम, कैसे हैं आप महाराज? मूछे हैं, मूछे हैं, किंतु अभी दिखाई नहीं दे रही है। इन्होंने हमारी मूछों के ऊपर त्वचा जैसा कुछ लगा दिया है और हमारी मूछे गायब। चिंतित मत होइए मंत्रीवर, रामलीला पूर्ण होते ही मूछे वापस आ जाएगी। क्षमा करना मित्र, हमें थोड़े एकांत की आवश्यकता है। पंडित रामकृष्ण, क्या बात है, आप चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। हाँ महाराज, हमें ये रामलीला स्थगित करनी होगी। ये क्या कह रहे हैं आप, ये कैसे संभव है? अदिति आना आरंभ हो चुके हैं। हाँ, तो फिर आप इस रामलीला में अभिनय ना करें, समस्या होगी। कैसी समस्या पंडित रामकृष्ण, हमारी मूछें दिख रही है क्या? नहीं महाराज, आपकी मूछें समस्या नहीं है, आपके प्राण संकट में है। आप व्यर्थ चिंतित हो रहे हैं, इतनी शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं, हमारा विश्वास कीजिए। अच्युत देव हमारे कहने पर ही हम पर आक्रमण करते हैं, ये खेल है हमारा। महाराज वो आक्रमण खेल था, खुजली वाला रसायन भी खेल था, परंतु आपका गोला जिसके लक्ष्य आप थे वो खेल नहीं था। चेतावनी भरा पत्र जो मंत्री महोदय को मिला है ये खेल नहीं है, और नदी किनारे आपकी हत्या की जो योजना सुनी थी वो भी खेल नहीं था महाराज। कैसी योजना? ये कृष्णदेव राय की अंतिम रामलीला है। महाराज भीषण बाबू भी यहाँ से भाग चुके हैं। ये क्या सिद्ध करता है? महाराज भीषण बाबू के कक्ष से ये मिला है। ये संदेश देकर गए हैं वो हमें। महाराज आपकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। हाँ महाराज, आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर ना जाएं। आप पर कभी भी किसी भी ओर से आक्रमण हो सकता है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो भीषण बाबू आप पर आक्रमण का पूरा प्रबंध करके गए हैं। यह संभव है पंडित रामकृष्ण, रामलीला तो होकर रहेगी,
श्री राम का पात्र हम ही करेंगे। परंतु महाराज, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं। महामंत्री जी, महाराज, हम यदि मंच पर नहीं गए तो हमारी प्रजा हमारे बारे में क्या सोचेगी कि उनका राजा कायर है? जो व्यक्ति स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता है वो अपनी प्रजा की रक्षा कैसे करेगा? हम निर्णय ले चुके हैं, हम मंच पर जाएंगे। महाराज अपना जीवन संकट में डाल रहे रामा, अब क्या होगा? तू ना रामलीला रोक सकता है और ना महाराज को मंच पर जाने से रोक सकता है। हाँ बंधु, परंतु शत्रुओं को तो रोक सकता हूँ ना, अब महाराज पर होने वाले आक्रमण को रोकना होगा। हार पहनेंगे। रुक्मणी, इतनी साज सज्जा तो संभव है ना वनवास में? हम भी पहनेंगे और साथ में कड़ाऊ कंगन भी। क्या आप भी वही विचार कर रही हैं जो हम कर रहे हैं? आप यही विचार कर रही हैं ना? इतने अप्रतिम आभूषणों के साथ ये वस्त्र कुछ ठीक नहीं लग रहे। प्रणाम महारानी, महाराज आपसे भेंट की अनुमति चाहते हैं। हम उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप उन्हें सहसमान अंदर लेके आइए। हमारी मूछें हैं, वो रूप सजा विशेषज्ञ ने हमारी मूछों को छिपा दिया। अच्छे लग रहे हैं आप। महाराज हमें देखिए, सुंदर लग रहे हैं ना हम? अब हम वनवास जाने के लिए तैयार हैं। आप वनवास जा रही हैं, किसी विवाह समारोह में नहीं जा रही हैं। महाराज सब कुशल तो है ना? आप बहुत चिंतित प्रतीत हो रहे हैं महाराज। आपके प्राण संकट में हैं। किशन बाबू के कक्ष से ये मिला है। चिंतित तो हम अपने अभिनय को लेकर हो रहे हैं। वो क्या है, हम प्रभु श्री राम की छाया भर नहीं, तो हम ये विचार कर रहे हैं कि हम उनके पात्र को न्याय दे पाएंगे या नहीं, बस यही चिंता। आप तैयार हो जाइए। आप ये कथा है श्री राम की, सीता के त्याग की, रावण के सर्वनाश की। मैं श्री राम को बेर दाएं हाथ से खिलाऊं या बाएं हाथ से? आप बेर दाएं हाथ से खिलाएं या बाएं हाथ से? बेर तो बेर ही रहेंगे ना, आम थोड़ी ना बन जाएंगे। श्री राम को बेर खिलाते समय सिर्फ भावनाएं व्यक्त होनी चाहिए। रामलीला के लिए तैयार? हाँ तैयार हो गए। उठा लो। क्या उठा लो? अरे गदा उठा लो और हनुमान जी बनने के लिए तैयार हो जाओ। क्या हो गया रामा? क्या बताऊं बंधु, मेरी तो अभिनय करने में जरा भी रुचि नहीं है। महाराज की चिंता में मन व्याकुल हो रखा है, पता नहीं क्या अनर्थ होने वाला है। क्या होने वाला है? रामलीला होने वाली है और क्या? हाँ हाँ गुंडप्पे, ये तू किसके साथ खेल रहा है? वो गुंडप्पा रामलीला में भाग ना लेने की वजह से कुपित है, इसलिए हमने उसका मन बहलाने के लिए उसे खिलौने दे दिए। लामा ले इचे तो। अच्छा इसमें हंसने की क्या बात है? Ha ha ha!
रामा तो मूल क्या क्या पता था लगेगा फिर भी तू तोड़ ला है। अब महाराज पर कहीं से भी आक्रमण हो उनकी रक्षा का उपाय मिल गया है। ऐसा प्रतीत होता है अपने श्री राम की सहायता के लिए मुझे हनुमान बनना ही होगा। विजयनगर के सभी आदरणीय लोगों को हमारा नमस्कार। उठा लो इस रामलीला का आनंद उठा लो। ये अनोखी रामलीला देखने के लिए क्या आप सब उत्सुक हैं? हाँ हाँ है। इस वर्ष की रामलीला विशेष है क्योंकि महाराज स्वयं श्री राम का पात्र निभा रहे हैं और महारानी चिन्ना देवी और महारानी तिरुमलम्बा माँ सीता का। कुछ ही क्षणों में रामलीला प्रारंभ होने वाली, परंतु क्या आप लोगों को रामायण का महत्व पता है? उठा लो। क्या? अरे जिसे भी रामलीला का अर्थ पता है वो अपना हाथ उठा लो। हम बताते हैं, रामायण अर्थात श्री राम का आयन, अर्थात श्री राम ने अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत किया, उनके सर्वोत्तम आचरण के कारण ही वे पुरुषोत्तम कहलाए। उनका जीवन उदाहरण है कि मनुष्य को किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमें भी उनके बताए हुए मार्ग पर ही चलना चाहिए। दशहरा उत्सव है असत्य पर सत्य की विजय का। असत्य पर सदा ही सत्य की विजय होती है। इसी को दर्शाते हुए आप सबके सम्मुख प्रस्तुत है श्री राम की कथा रामलीला के माध्यम से। कृष्णदेव राय, अब आपका आखिरी वक्त करीब है। राताश्री, हम भी आपके साथ वन गमन करेंगे। नहीं अनुज, ये उचित नहीं होगा। वनवास का भोग केवल हम करें। परंतु प्रभु, हमारा जीवन आपके चरणों में समर्पित, कृपा करके हमें आपके साथ आने की अनुमति प्रदान करें। किंतु लक्ष्मण, ना ना करें। हम आपके साथ चलेंगे प्रभु, और सतर्क रहेंगे। प्रभु, हम जानते हैं कि त्रुटि हमारी है। हमने शत्रु को मित्र समझकर आपके प्राणों को विपदा में डाल दिया। हम तो क्षमा के योग्य भी नहीं है प्रभु। हमारी त्रुटि सुधारने का हमें एक अवसर अवश्य प्रदान करें। प्रभु, हमें अपने साथ लेकर चलिए। अरे ये कौन सी राम कथा चल रही है? आनंद आ गया, आए हो तो लक्ष्मण जैसा। उठो लक्ष्मण। प्रिय लक्ष्मण, शत्रु चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना करे, हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। माता पिता एवं गुरुजनों के आशीर्वाद हमारे साथ है। तुम लौट जाओ लक्ष्मण। प्रभु, जहां पर श्री राम है लक्ष्मण वहीं पर है। भला शरीर से आत्मा अलग कैसे रह सकती है? हमारी विनती है आपसे कि आप हमें अपने साथ लेकर चलें। ले चलिए ना महाराज। अब वैसे भी इन्हें कुछ हुआ तो हनुमान तो संजीवनी बूटी लाने ही वाले हैं। महाराज, अगर ये नहीं होंगे तो स्वर्णमिक के पीछे आपको बचाने कौन जाएगा? सीते, आप शांत हो जाइए, हम लक्ष्मण से बात करते हैं। लक्ष्मण, यदि यही तुम्हारी कामना है तो चलो, तुम भी हमारे संग चलो वनवास। प्रभु,
भ्राता लक्ष्मण। दो रावणों का वध एक साथ, कौन सा रावण किसका वध करेगा? रामा, रामायण में तो एक ही रावण था, यहाँ भी एक ही रावण की प्रतिमा है। हाँ, लेकिन रावण के शीश 10 थे। नहीं बंधु, पत्र में रावण के शीश का नहीं, दो रावणों का उल्लेख है। परंतु दो रावण आमने सामने कैसे आएंगे? अब श्री राम और हनुमान के मिलन का दृश्य होगा। मेरा दृश्य? पंडित रामाकृष्ण जी, आप यहाँ? सभी आपको ढूंढ रहे हैं, आपका दृश्य आ गया। हे प्रभु, मैं तो तैयारी नहीं हूँ, चलो चलो चलो। स्वर्ण मृग प्राप्त करने हेतु माँ सीता ने निवेदन किया, उनकी इच्छा पूर्ण करने श्री राम वन को चल दिए। प्रभु के ना लौटने पर सीता माँ ने लक्ष्मण जी को उन्हें ढूंढने का आदेश दिया। लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींचकर सीता माँ को उसे पार न करने का निर्देश दिया, परंतु धूर्त रावण अपना भेष बदलकर माता सीता का अपहरण कर ले गया। देवी सीता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध करने आए पक्षीराज जटायु। कौन? मैं जटायु हूँ। हम क्या करें? माता सीता को छोड़ दे। चुप! तुच्छ पक्षी, हट हमारे मार्ग से, वरना तेरे प्राण यही पखेरु उड़ जाएंगे। माता सीता को, सीता को ले जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। छोटी महारानी जी, आप? अब हम हैं सीता माँ। परंतु रूप? चिन्ना देवी अशोक वाटिका वाले दृश्य में पुनः आ जाएंगे। तथा जानी जी, आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। जी छोटी महारानी जी, जैसे ही आप की आगे। भगवान जटायु, अब तेरी मृत्यु निश्चित है। परंतु महाबली रावण के समक्ष जटायु कब तक युद्ध करते? अंततः रावण ने उन्हें घायल करके धरती पर गिरा दिया। श्री राम और हनुमान जी के मिलन का दृश्य है, और रामा कहाँ है? सेवक जी, अरे आपसे नहीं कह रहा हूँ, आप अपना कार्य कीजिए। शीघ्रता पूर्वक महामंत्री तिमारसु और आदरणीय अच्युतदीप जी से कहिए कि यहाँ आ जाए। जो आज्ञा महोदय। हे माँ, अब सब कुछ आपके हाथ में है, रक्षा करना माँ। कहाँ है रावा कृष्णा? कितना समय और लगेगा उसे? हम तो यही हैं, हमें कैसे ज्ञात होगा कि उन्हें कितना समय लगेगा? अगर रावा कृष्णा नहीं आया तो अनर्थ हो जाएगा। तुम दर्शकों से वार्तालाप करो, उनका ध्यान मीरा से बटाओ। कैसे? कुछ भी करो, कैसे भी करो, मगर करो। जो आ गया गुरुवर। इससे पहले कि अगला दृश्य आरंभ हो, आप सबके लिए एक प्रश्न है। आप सब में से कितने लोगों को रामायण के संदर्भ में सब कुछ ज्ञात है? मुझे पुली रामायण पता है। तो फिर एक प्रश्नोत्तरी खेलते हैं, जिससे आप सभी को और भी मजा आएगा। रामायण से संबंधित
सरल से प्रश्नों का उत्तर जो नहीं दे पाएगा उसका मुंह काला कर दिया जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। तो फिर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, संसार के सात चिरंजीवी कौन है जो श्री राम के साथ थे और अमर हैं? आप बताइए। पवन पुत्र हनुमान। सही उत्तर। दूसरा प्रश्न, माता सीता को और किस नाम से पुकारा जाता है? नहीं अम्मा, आप नहीं, आपका उत्तर तो हमें ही देना पड़ेगा। अम्मा के साथ जो महिला है वो उत्तर है वैदेही जानकी जनक पुत्री। अरे बस 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 बस, आप तो पूरी रामायण ही सुना देंगी। लड़की खामोखा हमारा समय बर्बाद कर रही है। पतिवर, मुझे अभी मंच पर जाना है, परंतु आपको ये कार्य शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण करना होगा। किंतु पंडित रामकृष्ण, क्या आपके विचार से उचित होगा? और कोई मार्ग तो मुझे सूझ नहीं रहा अच्युत देव जी, मेरे विचार से यही उपाय उचित रहेगा। आप निश्चिंत रहिए पंडित रामकृष्ण, आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। जी चलते हैं। रावण का कौन सा भाई था जो 6 महीने सोता था? उत्तर दीजिए। ओ, भला नाम है, नाम है महाभारत में थे जो पूजा में रखते हैं, यहाँ है, यहाँ नहीं आ रहा नाम। कुंभकर्ण। कुंभकर्ण वही तो। हाँ, कुंभ पूजा में रखते हैं, करण महाभारत में थे, कुंभकर्ण। अरे आपको इतना भी ज्ञात नहीं, कौन है आप, कौन से ग्राम से आए हैं? सिद्धांतो, इससे सही उत्तर नहीं दिया। शारदा, शारदा, ये क्या कर रही हो? प्रश्न उत्तर बंद करो, रामलीला आरंभ करो। परंतु उसका मुंह काला करना है। ये तो रामलीला के पश्चात कर लेना, फिर दृश्य आरंभ करो शीघ्र। दर्शकों, हम इस खेल पर पुनः आएंगे, अब रामलीला के आगे का दृश्य आरंभ करते हैं। हाँ हाँ ठीक है। जब रावण ने माँ सीता का अपहरण किया, श्री राम ने माँ सीता के वियोग का दुख भोगा। अब उनका हनुमान जी से ऋषिमुख पर्वत पर मिलन होगा। हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में राम और लक्ष्मण को परखने आए हैं। दीते, दीते, मान्यवर, मुख के तेज से तो आप किसी राज परिवार के प्रतीत होते हैं। इस प्रकार सन्यासी के भेष में वन में विचरण का क्या प्रयोजन है? हम अपनी पत्नियों को ढूंढ रहे हैं। महाराज, पत्नियां नहीं, पत्नी, पत्नी। हम अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं। अच्छा। हाँ पापी, रावण ने उनका हरण किया है। ओहो हो हो। प्रिय हनुमान, क्या आपको ज्ञात होगा कि वे किस दिशा में गए होंगे? आपको मेरे विषय में कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ? मैंने तो अपना परिचय दिया ही नहीं। आपकी आभा दर्शाती है कि आप 4 वेदों, 18 उपनिषद शास्त्रों और पुराणों के ज्ञाता हनुमान ही हैं। मैं भी आपको पहचान गया प्रभु, आपके मुख की आभा साफ दर्शाती है कि आप नरों में श्रेष्ठ नर, अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता, धर्म परायण मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं।
मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नहीं मित्र, आपसे भेंट हमारा सौभाग्य है। आपसे मिलन के ये क्षण मेरे जीवन की सबसे शुभ घड़ी है प्रभु। पंडित रामकृष्ण, आपकी जगह तो हमारे हृदय में है। आप तो सदैव से मेरे हृदय में हैं प्रभु, और आज मैं आपको वचन देता हूं कि एक या कई शत्रु भी आ जाएं, तो उनका प्रहार मैं आप तक पहुंचने नहीं दूंगा। हमें आशा ही नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास भी है। मैं गणपति रामकृष्ण, जिनकी नित्य प्रतिदिन पूजा करता, जिनका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ होता है, उन माँ की सौगंध खाकर कहता हूँ कि महाराज का देश मात्र भी अशुभ नहीं होने दूंगा। तीनों लोकों में कहीं भी कोई भी महाराज का शत्रु है, उसे महाराज तक पहुँचने से पहले मेरे प्राण हरने होंगे। पवन पुत्र हनुमान की, पवन पुत्र हनुमान की, पवन पुत्र हनुमान की, पवन पुत्र हनुमान की। भक्त और भगवान का ये मिलन युग युगांतर में केवल एक ही बार आता है। अब हमारे पति अर्थात श्री बजरंग बली जाएंगे सीधा लंका बजाने श्री राम की शक्ति का डंका। हमें विश्वास नहीं होता, तूने हमारी लंका नगरी में उत्पात मचाया। तेरा इतना साहस कि तू लंका अधिपति रावण को चुनौती दे, दोष तेरा नहीं है, वानर है ना तू। छलांगे मारना, उछल कूद करना, उत्पात करना, वस्तुओं को नष्ट करना तेरी प्रवृत्ति है। सुन, अभी भी समय है, आजा आजा हमारी शरण में आजा, अन्यथा ये ऐसा दंडित करेंगे कि संसार भी कंपित हो जाएगा। तुच्छ वानर, इसी तुच्छ वानर ने आपकी लंका को जलाकर राख कर दिया है, आपके साम्राज्य को हिलाकर रख दिया है इस तुच्छ वानर ने। सुधर जाइए और अपने कुकृत्य त्याग दीजिए, अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब आपके हाथों से सिंहासन भी छूट जाएगा। आपके क्रोध से आपके शिष्य अर्थात आपके अनुचर भयभीत होते होंगे। ये वानर नहीं, जिन वेद पुराणों और शास्त्रों के ज्ञान पर आप अपना स्वार्थ पूरा करते हैं, वो सब त्याग दीजिए। लोगों के विश्वास और श्रद्धा को उनकी दुर्बलता समझने वाले पापी, अब आपका अहंकार ही आपके विनाश का कारण बनेगा। समझते क्या हो अपने आप को पंडित हनुमान? हम महाबली रावण हैं, तो जैसे तुष्वानर को एक क्षण में भस्म कर देंगे। जब से आपके साम्राज्य में आया हूँ तब से उसी का प्रयास तो कर रहे हैं, परंतु कर नहीं पाए। चुप कर जा पंडित, अब आपका अंत निकट है दुराचारी रावण। मैं राम भक्त हनुमान आपका अहंकार, आपकी शक्ति, आपके वरदान से फलीभूत इस साम्राज्य को भस्म कर दूंगा। अब तो समय बताएगा कि किसमें कितना सामर्थ्य है। उस समय के लिए जीवित नहीं रहेगा पंडित वानर। नहीं है,
क्षमा करो जी, मैं थोड़ा भावना में बह गया था। हम भी बह गए थे, हम भी बह गए थे। रावण का पात्र कर रहे हैं ना, तो हमें भी क्षमा। आपको तो अभिनय करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आप तो पहले से ही रावण हैं। रावण का अहंकार समाप्त नहीं हुआ, उसने श्री राम से युद्ध किया। भीषण युद्ध के परिणाम स्वरूप रावण का वध हो गया। श्री राम और सीता माँ का मिलन। अगला कार्यक्रम है रावण दहन। हमारे महाराज अपनी शुभ कर कमलों से रावण का दहन करेंगे, परंतु उससे पूर्व इतने अच्छे दर्शकों के लिए हमारे अभिनेता आभार प्रदर्शन करेंगे। महाराज कृष्ण देव राय की, महाराज कृष्ण देव राय की। इंतजार का वक्त खत्म हो गया, अब रावण दहन के साथ कृष्णदेव राय का भी अंत होगा। विश्वास है कि वो यहाँ अवश्य आया होगा। कोई भी अपराधी अपना अपराध पूर्ण होता देखने की लालच नहीं छोड़ पाता। वो भेष बदलकर यहाँ अवश्य आया होगा। वो देखो, वो जा रहा है। पकड़ो उसे। पकड़ो, पकड़ो। दंड के भाग जाएंगे। दंड? किंतु हमारा अपराध क्या है? क्या किया है हमने? सभी ने चुनौती स्वीकार की थी। आप प्रश्न का उत्तर दे नहीं पाए तो आपको अपना मुंह काला करवाना पड़ेगा। उठा लो। क्या उठा लो? का पात्र उठा लो और इनका मुंह काला कर दो। प्रस्थान करें, मुझे किसी और को भी ढूंढना है।
ये तो नहीं कह सकते कि हमने प्रभु श्री राम का पात्र उचित प्रकार से निभाया कि नहीं, परंतु ये अवश्य जानते हैं कि पवन पुत्र हनुमान का पात्र पंडित रामकृष्णा ने पूरी निष्ठा से निभाया है, एक अदृश्य शत्रु से हमारे प्राण बचाकर। पंडित रामकृष्णा, आपने अपनी बुद्धिमता एवं दूरदर्शिता से शत्रु के आक्रमण को विफल कर दिया, सराहनीय है ये बात। महाराज, आपके प्राणों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और मैंने बस अपना कर्तव्य पूर्ण किया। ये तो आपकी विनम्रता है पंडित रामकृष्णा, परंतु अब हम चाहते हैं कि आप पूरे दरबार को बताएं कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ और किसने किया था। जी महाराज, आदरणीय अच्युत देव जी के साथ आए भीषण बाबू ने ये दुष्कर्म किया है। भीषण बाबू वास्तव में पड़ोसी राज्य के भेदी थे। वो किस राज्य के हैं इसका पता अभी तक नहीं चला है, परंतु तकनीकी रूप से वो एक विशेषज्ञ हैं। और इसी कारण से रावण की प्रतिमा में एक यंत्र लगा था जिससे आप पर बाणों का आक्रमण हुआ। राताश्री, त्रुटि हमारी ही है। हमने ही भीषण बाबू को रावण के निर्माण का आदेश दिया था। जिस प्रकार रावण की मृत्यु का कारण उसका अहंकार था, उसी प्रकार भीषण बाबू के अहंकार के कारण आपके प्राणों की रक्षा हुई। यदि वो धमकी भरा पत्र हमें नहीं भेजते तो मैं और मंत्रीवर सचेत नहीं होते, और ना ही मैं उस योजना को गंभीरता पूर्वक लेता जो मैंने नदी के तट पर सुना था। कृष्णदेवराय की अंतिम रामलीला है। तत्पश्चात आपके स्थान पर खड़े होने के कारण आचार्य उस आग के गोले का निशाना बने। उस दिन पहली बार मुझे शंका हुई जब मैं भीषण बाबू के कक्ष में गया जहां मुझे वो भेदा हुआ गुड्डा मिला। तब तक भीषण बाबू राज्य से भाग चुके थे। उनके राज्य से भाग जाने पर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया महाराज कि आपका जीवन संकट में है। फिर जब मैंने उस चेतावनी भरे पत्र को बार बार ध्यान से पढ़ा जिसमें ये लिखा था कि इस नवरात्रि एक नहीं दो रावणों का वध होगा, तब मुझे समझ में आया कि आप पर होने वाले आक्रमण का संबंध रावण की उस प्रतिमा से है। रावण की प्रतिमा को ध्यान से देखने पर मुझे उस यंत्र के बारे में पता चला। अब रावण दहन करना भी आवश्यक था और आपकी रक्षा भी। फिर मैंने मंत्रीवर तिम्मारासु और आदरणीय अच्युत देव जी के साथ मिलकर ये पूरी योजना बनाई। मंत्रीवर, रावण दहन के समय महाराज पर आक्रमण होगा, कृपया राज्य के सर्वश्रेष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ को बुलवाइए। ठीक है पंडित रामकृष्ण, हम अभी व्यवस्था करते हैं। ठीक है, ये वो तकनीक है जिससे महाराज पर होने वाला आक्रमण असफल होगा। हमें महाराज की रक्षा के लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? जी देखिए, आपको इस खिलौने की तरह ही एक ऐसे तकनीक का निर्माण करना है जिसमें महाराज के रथ के नीचे ठीक इसी प्रकार की बड़ी शक्तिशाली वस्तु हो। ये देखिए, इसका एक छोर रस्सी से बंधा होगा और रस्सी का दूसरा छोर दाहिनी तरफ मेरे हाथ में होगा। जब महाराज पर आक्रमण होगा तब मैं रस्सी खींचूंगा और महाराज जिस लकड़ी के पट पर खड़े होंगे वो इसके दबाव से उछलेगा। महाराज हवा में होंगे और इस प्रकार बाणों से महाराज की रक्षा होगी। पंडित रामकृष्ण, बहुत अच्छी योजना है आपकी। जी, आप समझ गए आपको क्या करना है? जी मैं समझ गया। मंत्रीवर, आप महाराज को ये पूरी योजना बता दें और उन्हें तैयार रहने को कहें। हम महाराज की भी प्रशंसा करना चाहेंगे। जब हम इस योजना को लेकर महाराज के पास गए तो महाराज ने बड़े साहस के साथ इस योजना को स्वीकृत किया और उसके बाद आक्रमण के वक्त बड़ी स्फूर्ति के साथ उन्होंने अपनी रक्षा की। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। Thank you.
शिक्षा का पूरा श्रेय पंडित रामकृष्ण को जाता है। हमारा जीवन आपका ही नहीं हुआ। आनंदमयी हृदय को हर्षित करने वाला स्वप्न है। राज नर्तकी सौदामिनी देवी के साथ जल विहार करने में ही आनंद की पराकाष्ठा है। सौदामिनी कहाँ चली गई यहाँ? अरे सौदामिनी, आपका तत्थु यहाँ है। कुछ। आप कहाँ हैं? सौदामिनी। धनीमणि, ये हमारे स्वप्न के जल विहार में धनीमणि दिखाई दे रहा। कितना निम्न स्तर का बन गया हमारा स्वप्न। गुरुजी, कैसा लग रहा है? आनंद आ रहा है ना गुरुजी? आ रहा है ना? हटो, हमारे स्वप्न से हटो। स्वप्न में? ये मनी लगता है अपना बुढ़ा समझ रहा है कि अभी तक वो स्वप्न में ही है। गुरुजी, ये स्वप्न नहीं, यथार्थ है। देखिए यथार्थ तो हमारा हमारा शयन कक्ष कहाँ है? क्या प्रश्न करते गुरु जी? आपका शयन कक्ष तो आपके निवास स्थान में है ना? अरे मूर्खो, हम ये जल में कैसे आ गए? हम है ना, हम लेकर आए हैं आपको यहाँ पर। हाँ गुरु जी, हम तुम्हारी इतनी दंडता, तुम हमें निद्रा अवस्था में उठा कर यहाँ ले आए। हम तुम दोनों को यही डुबो डुबो कर स्थाई निद्रा में पहुंचा देंगे। गुरुजी, देखो ना, देखो हम आपका कितना ध्यान रखते हैं। आपकी भलाई के लिए तो हम आपको यहाँ पे लेके आए हैं। भलाई के लिए? हाँ। अरे बुद्धिहीनों के न्यायाधीश, मूर्खों के द्वारपाल, क्या जल में सोने से हमारी क्या भलाई है? वहाँ गुरु माता आपके शयन कक्ष के बीचों बीच जलकुंड बनवा दे वाली है ना? हमने सोचा कि आपको जलकुंड में सोने की आदत नहीं है ना, इसलिए हम आपके इस नहर में ले आए गुरु जी। जलकुंड? दुष्टो, भाई रुको, हम तुम्हें अभी इसी समय तुम्हारी उदंडता का दंड देंगे। रुको। अरे अरे धनी, अरे मनी, अरे मछली का काट। वरुण माला। आज्ञा दे हमारे स्वामी, हमारे इष्टदेव, हमारे प्राणनाथ। प्राणनाथ? प्राणनाथ, आज तुम्हारे चक्कर में इन मूर्खों ने तुम्हारे नाथ के प्राण अलग कर दिए। शांत हो जाइए हमारे प्राण प्रिय पूजनीय प्राणनाथ। कैसे शांत हो जाए?
तालाब में तैर कर आ रहे हैं। कांटेदार मछलियों ने वहां वहां चुभोया है कि हम क्या नहीं कर सकते, और एक दुष्ट कछुआ हमारे पीछे पड़ गया था। जहां हम वहां वो। ये बताइए, ये शयन कक्ष में जलकुंड बनाने का ये नया नाटक क्या है? हम तो मछली हैं, जलकुंड में रहेंगे? ये तो सांप है, इसे तो बिल में रहना चाहिए। अभी दो मुहा स्वामी, बस एक सप्ताह तक का कष्ट है। गुरुवार को जलकुंड बनने का शुभारंभ हो जाएगा और फिर आपके जीवन के हर कष्ट का निवारण हो जाएगा। अच्छा जी, बहुत अच्छा। ये बताइए, ये आत्मघाती विचार आपके मस्तिष्क में आते कहाँ से हैं? ये विचार तो महापंडित रामाचार्य जी से मिले हैं। कौन से चारे? रामाचार्य जी। रामाचार्य जी स्वामी, अत्यंत ज्ञानी, परम प्रतापी, महाविद्वान, वास्तु शास्त्र के प्रकांड विद्वान रामाचार्य जी। हमारे रहते हुए हमारे साम्राज्य में एक और महापंडित कौन है? वो दुष्ट पाखंडे जो हम जैसे साक्षात महाकाल के दर्शन कर चुके महापुरुष के इष्ट अनिष्ट के बारे में विचार कर रहा है। स्वामी, आपसे उनकी भेंट समय आने पर निसंकोच कर आएंगे, पर उससे पहले आपको एक और कार्य करना होगा। कौन सा कार्य? आपको उस जलकुंड में जल भरने के लिए प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्वयं अपने हाथों से उस नदी से एक मटकी जल भरकर घर तक लाना होगा, और ये आपको तब तक करना होगा जब तक कि वो जलकुंड भर नहीं जाता। मर गया। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। उषादा महोदया, क्या कर रही हो? उठा लो। बड़ा भारी पत्थर प्रतीत होता है, कमर टूट जाएगी। अपने प्रश्नों का टोकरा उठा लो और यहाँ से प्रस्थान करो। हमारी सूर्य वंदना में बाधा मत डालो। सूर्य वंदना? लगता है आज सूर्य देव पश्चिम दिशा में उदित हुए हैं। क्या सूर्य देव, आपने उदित होने की दिशा बदल दी और मुझे बताया भी नहीं। मैं तो ये पूछा था कि उल्टी दिशा में क्यों जल अर्पित कर रही हो। ओफो, उठा ले। उठा लिया, अब बताओ। अगर अभी आपको पानी पीना होगा तो क्या करेंगे? मैं पूरी नम्रता से अपनी अंजलि उठाऊंगा और तुम्हारे सामने झुक जाऊंगा ऐसे। सूर्य को अर्घ देना मतलब उन्हें पानी पिलाना, जिसके लिए उन्हें पानी पिलाने वाले से नीचे होना चाहिए, जैसा कि अभी आप हैं। सूर्य देव किस दिशा में झुकते हैं? पश्चिम में। सूर्य का झुकना मतलब सूर्य का अस्त होना, इसलिए अर्घ हमेशा पश्चिम दिशा में देनी चाहिए। वाह वाह वाह, सूर्य देव का दिशा परिवर्तन आप जैसी ज्ञानी ही कर सकती है। उठा लो। अब क्या उठा लू? अपने व्यंग के बाण उठा लो और उपहास की तरकश में डाल दो। महाज्ञानी वामाचार्य जी ने कहा है ऐसा करने को। वामाचार्य? ये कौन है, और जो कोई भी है ये ज्ञान की उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं? क्या कहा? कुछ नहीं। मैं तो ये कह रहा था कि दरबार जाने में देर हो रही है, कृपया भोजन परोस दो। फल खा लो, आज हमने भोजन नहीं बनाया है। क्योंकि हमने रसोई घर तोड़वा दिया। क्या? रसोई घर क्यों तोड़वा दिया? अरे ऐसा अनिष्ट क्यों किया? क्योंकि वामाचार्य जी ने कहा है हमारी रसोई व्यव्य कोण में बनी है, और व्यव्य कोण का संबंध वरुण देव और चंद्रमा से होता है, और चंद्रमा तो मन का कारक है, और मन तो कितना चंचल होता है। अरे तो मन के चंचल का दंड रसोई घर को क्यों? क्योंकि व्यव्य कोण में बनी रसोई में बने खाने से घर का पुरुष भ्रमित हो जाता है, जो अभी हम देख ही रहे हैं। अर्थात? क्योंकि प्रतिदिन सुबह उसी समय सैर करने जाते हैं जब गाँव की सभी औरतें मटका लेकर इतराती हुई पनघट पर जाती है। शंभू शंभू शंभू, घोर आक्षेप है ये मेरे चरित्र पर, इसके विरुद्ध मैं घनघोर आंदोलन करूंगा, बता रहा हूँ मैं। हाँ, जब देखो हवा के पंखों पर सवार रहते हो, हमेशा कोई ना कोई विघ्न डालते रहते हो। शादी को अपना काम करने दे और कल सुबह से सैर बंद। ये अम्मा ने नहीं कहा ना? नहीं, हम कह रहे हैं। अचानक कहां से प्रकट हो गया? और अम्मा और शारदा उसकी शिष्य कैसे बन गई? इसने तो एक दिन में ही मेरा जीवन अस्त व्यस्त कर दिया।
यदि कहीं मुझे मिल गया ना तो मैं उसका जीवन अस्त व्यस्त कर दूंगा। हाँ